Hello, bachcho, let's see the question. Which of the following structure helps in the excretion and conservation of water in the terrestrial earth pod? Question में basically हमें excretory structure का नाम बताना है जो terrestrial earth pod जो earth pods हैं उनके excretion में help करेगा, साथ में conservation of water में help करेगा. So what would be the key concept here? So the key concept here will be excretory organ. Excretory ऑर्गन. अगर बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिससे वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से. अब एक एक करके बात करते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल अर्थोपोडा के पास क्या क्या होगा, कौन सा होगा. सबसे पहले बात करते हैं मेलफीजियन बॉडी. मेलफीजियन बॉडी, सो बेसिकली ये जो है ये हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही नहीं. क्यों नहीं है देखो मैं बताता हूँ. जो मेलफीजन बॉडी है ना, बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है. जब किडनी की बात करते हैं, जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वी कैन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ये. से ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल को मिला के जो बनता है ना मेलफीजन बॉडी, उसको बोलते हैं मेलफीजन बॉडी बोलते हैं उसको. अब बात करें एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड हमारे किसके पास होती है. दिस इज बेसिकली, इसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्रस्टेशियन के पास होती है. किसके पास होता है, क्रस्टेशियन के पास, लाइक प्रॉन्स हो गया. अब बात करें मेलफीजियन ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे ट्यूब्यूल है, जस्ट प्लीज कीप इन माइंड, जब ट्यूब्यूल होगा सो इट इज़ वर्क एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. और वो किस में, हमारे अर्थपोडा के केस में, अर्थपोडा, और वो भी टेरेस्ट्रियल अर्थपोडा, क्या रेस्ट्रियल. अब बात करते हैं डी के, हमारा कैबर्स ऑर्गन. कैबर्स ऑर्गन की बात करो, सो दिस इज द ऑर्गन दैट इज प्रोसेस बाय मोलस्का. ये कौन प्रोसेस करेंगे, मोलस्का. अब हमने सबके बारे में बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी. नाउ वी हैव गोना फाइंड द करेक्ट आंसर. सो मालफीजन बॉडी तो वैसे ही कट गया. एंटरनल ग्लैंड किसके लिए होता है, बेसिकली ये होता है क्रस्टेशन के लिए. हमारे टेरेस्ट्रियल अर्थोपोड पूछा है, तो मेलफीजियन ट्यूबुल आंसर होगा. जो कैबर्स ऑर्गन है वो मोलस्का के लिए, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मेलफीजियन बॉडी, एंड वी कैन राइट इट ओवर हियर. ये किस में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करेगा, साथ में वाटर कंजर्वेशन का भी हेल्प करेगा. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.